हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 18th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब वाई बाई डी टी क्यूब प्लस 3 डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी टी माइनस 5y इक्वल्स टू कॉस एच टी प्लस साइन टी। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स और वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में बताए थे। तो अगर आपने वो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, दैट इज एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पे जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी माने होता है दैट इज डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहां पे हम चेक करेंगे ये पर्टिकुलर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ऊपर में y लिखा है और नीचे में t लिखा है, इट मीन्स y इज अ फंक्शन एंड t इज अ वेरिएबल। ये जो हमने आपको बताया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ x है। ठीक है, अगर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ t लिखेंगे तो यहां पे बस आपको x को हटाना है और x के जगह यहां पे t लिखना है। देखो, यहां पे भी हम x हटा देंगे और ये हम t लिखेंगे। ठीक है, और अब यहां पे t है इसलिए हमने वो t के फॉर्म में लिखा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। देन आफ्टर हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय हमें दो टाइप के सॉल्यूशन निकालना होता है, पहला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF और दूसरा है पर्टिकुलर इंटीग्रल PI, और फिर एट द लास्ट ये दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करके हमें जनरल सॉल्यूशन तैयार करना होता है। तो चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए यहां पे पहले हम इसको कैपिटल डी के फॉर्म में लिख लेते हैं। कैपिटल डी माने यहां पे डी बाई डी टी रहेगा, तो यहां पे इसको कैपिटल डी में अगर लिखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इसको कैपिटल डी के फॉर्म में अब यहां पे डायरेक्टली लिख ले रहे हैं, तो ये होगा डी क्यूब वाई प्लस 3 डी स्क्वेयर वाई प्लस डी वाई माइनस 5y इक्वल्स टू कॉस ऑफ एच टी प्लस साइन टी। ये देखो, ये हमने कैपिटल डी के फॉर्म में यहां इसको लिख लिए, और अब यहां पे वाई कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा डी क्यूब प्लस 3 डी स्क्वेयर प्लस डी माइनस 5 ऑफ वाई। देखो, हमने वाई कॉमन ले लिया और राइट हैंड साइड एज इट इज रखो, कॉस एच टी प्लस साइन ऑफ टी। अब देखो क्या ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल के इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है? बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ये जो ब्रैकेट है ये एफ ऑफ डी के प्लेस पे है, एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू ये क्यू ऑफ टी। ठीक है, जो हमने फॉर्म बताया बिल्कुल वही फॉर्म में ये आ चुका है। तो अगर ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल के इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो यहां से अब हम इसके दो सोल्यूशन निकालेंगे, पहला है CF और दूसरा है PI। तो CF निकालने के लिए यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाना? देखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करने के लिए बस ये एफ ऑफ डी को जीरो के साथ इक्वेट करना है। देखो, अगर आप एफ ऑफ डी इक्वल टू जीरो लिख लेंगे तो उसी को कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर वो ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमें रूट्स निकालना होता है और फिर वो रूट्स के टाइप को देख के हमें CF का इक्वेशन लिखना होता है। तो चलो यहां पर हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हम यहां पे शॉर्ट में यहां पे लिखे हैं AE यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये जो एफ ऑफ डी है इसको जीरो के साथ इक्वेट करना है यानी ये ब्रैकेट को, तो ये हम लिखेंगे डी क्यूब प्लस 3 डी स्क्वेयर प्लस ऑफ डी माइनस ऑफ 5 इक्वल टू जीरो। तो ये देखिए, ये बन गया ऑक्सिलरी इक्वेशन, और अब हमें इसके रूट्स निकालना है। और अब इसके रूट्स अगर निकालना है तो कितने रूट्स निकलेंगे? तो यहां पे टोटल 3 रूट्स निकलेंगे। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे d का पावर 3 है इसलिए यहां पे 3 रूट्स निकलने वाले हैं। तो ये रूट्स निकालने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको सिंथेटिक डिविजन मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर का यूज करना है तो कैलकुलेटर के इक्वेशन मोड में जाके आप डिग्री जो है वो 3 लेके आप रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम इसको मैनुअली सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो चलो यहां पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड का अगर यूज करना है तो देखो, यहां पे डी क्यूब, तो डी क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, फिर डी स्क्वायर का 3 है, डी का 1 है और फिर कॉन्स्टेंट माइनस 5 है। तो ये सभी कोएफिशिएंट्स हम यहां पे ले लेंगे। देखो, ये हम ले रहे 1 3 1 माइनस 5, तो हमने सभी कोएफिशिएंट्स यहां पे ले लिए।
और अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज देखो कैसे करना है, काफी सिंपल है। यहां पे लास्ट में जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम वन लेंगे, ठीक है। आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर यहां पे ट्राई करना होता है, आपको वन लेके ट्राई करना होता है और देखना होता है कि यहां पे जीरो आता है कि नहीं। वन के बाद माइनस वन, फिर टू, फिर माइनस टू, फिर थ्री, फिर माइनस थ्री। इस तरह से आपको हर एक नंबर को चेक करते हुए चलना है और यहां पे देखना है कि कौन से नंबर पे जीरो आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे वन से। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये जो वन है वो यहां पे एज इट इज लिखो, ये वन और वन को मल्टीप्लाई करो, इसका रिजल्ट यहां लिखो। अब ये दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएंगे फोर। अब ये फोर और वन को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहां लिखो। अब ये दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएंगे फाइव। अब ये फाइव और वन को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट यहां लिखो। अब ये दोनों को यहां पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे माइनस है, यहां पे ये प्लस में है। तो जाहिर सी बात है यहां पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस फाइव प्लस फाइव ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जब हमने वन लिए तो यहां पे जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा पहला रूट हो गया वन, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे डी इक्वल्स टू वन, हमें पहला रूट यहां पे मिल चुका है, ठीक है, जो कि है वन। हमने कहा था कि हमें यहां पे तीन रूट मिलने वाले हैं, तो तीन रूट में से पहला रूट मिल गया, अभी भी दो रूट बाकी है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए यहां पे जो ये जो टर्म्स यहां पे बची है उसके थ्रू एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करो। तो देखो कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा, वन फोर फाइव ऐसा बचा, तो ये फाइव हो गया, ये फाइव हो गया कॉन्स्टेंट, ये फोर हो गया डी का कोएफिशिएंट और ये हो गया डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो ये ऐसा हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ऑफ फोर डी प्लस ऑफ फाइव इक्वल्स टू जीरो। देखो ये ऐसा हमने यहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिए, ठीक है। और अब इसके रूट्स निकालना है, इसके दो रूट्स निकलेंगे। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पे डी का पावर टू है, इसका मतलब दो रूट्स निकलने वाले हैं। तो यहां पे हमें ऐसे कोई दो नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लीकेशन फाइव हो और जिसका एडिशन फोर हो। क्या ऐसे कोई दो नंबर है, तो ऐसे फिलहाल कोई भी दो नंबर नहीं है। किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन फाइव नहीं आता और एडिशन उसका फोर नहीं हो सकता। जैसे फाइव लाने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, वन इंटू फाइव या फाइव इंटू वन, ठीक है। तो आपने फाइव इंटू वन किए तो फाइव तो हो जाएगा, लेकिन फाइव और वन का एडिशन क्या फोर होगा, नहीं। इसका मतलब ऐसे कोई दो नंबर नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए, इसके रूट्स निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे। देखो फार्मूला ऐसा है, दैट इज फार्मूला, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देखो ये फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। देखो ये फार्मूले का हम यहां पे यूज कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसके पहले नंबर ऑफ टाइम्स हमने ये फार्मूला रूट्स फाइंड आउट करने के लिए यूज किया है, ठीक है। क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई ट्वाइस ए। और ये एबीसी क्या है, तो ये जो इक्वेशन हमने बनाया इसमें जो कोएफिशिएंट्स है वही है एबीसी। जैसे डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, डी का कोएफिशिएंट बी, और यहां पे जो कांस्टेंट है वो है सी, ठीक है। तो वो हमें बस यहां पे पुट करना है और हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। तो ये अब हम यहां पे लिखेंगे, तो ये हम लिख रहे हैं डी इक्वल्स टू, तो यहां पे बी का वैल्यू देखो यहां पे क्या है, डी का कोएफिशिएंट जो कि माइनस दैट इज फोर है, तो ये हम लिखेंगे माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्योर यानी फोर स्क्योर। तो हम लिखेंगे दैट इज फोर स्क्योर माइनस यहां पे देखो फोर ए सी, ठीक है। तो 4 इंटू वन इंटू फाइव डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, इट मीन्स 2 इंटू वन। देखो ये हमने सभी एबीसी का वैल्यू यहां पे पुट कर लिए, ठीक है। यहां पे ए का वैल्यू क्या है, देखो हम यहां पे लिख रहे हैं ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो एबीसी का वैल्यू जो है वो हमें पुट करना था, ठीक है। तो ये देखो यहां पे बी का वैल्यू, यहां बी का वैल्यू, यहां ए सी, ठीक है। हर जगह हमने वैल्यूज पुट किए, ये वैल्यूज हमने यहां पे पुट किए हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसा मिला। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं ये क्या होगा। तो ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस माइनस ये फोर स्क्वायर यानी 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2। तो ये हम लिखेंगे माइनस फोर प्लस माइनस ये 16 माइनस 20 मतलब माइनस फोर, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ माइनस फोर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो माइनस ऑफ फोर प्लस माइनस, माइनस फोर मतलब होता है अंडर रूट ऑफ आई स्क्योर फोर। देखो आई स्क्योर फोर इसीलिए क्योंकि माइनस यानी आई स्क्योर होता है, तो यहां पे हम मेंशन कर लेंगे सिंस आई स्क्योर यानी माइनस वन होता है, ठीक है। माइनस वन की जगह आई स्क्योर आप लिख सकते हैं, तो यहां पे माइनस फोर है यानी आई स्क्योर फोर डिवाइडेड बाय 2। हमने माइनस की जगह आई स्क्योर ऐसा लिख लिए। और अब इसका हम अंडर रूट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस माइनस ये हो जाएगा दैट इज 2 आई
डिवाइडेड बाय 2, हमने अंडर रूट कर लिए। और अब यहां से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, 2 कॉमन ले लिए न्यूमरेटर से, तो ये होगा माइनस 2 प्लस माइनस आई डिवाइडेड बाय 2, और अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस 2 प्लस माइनस आई। ठीक है, तो ये हमें रूट्स मिल चुके हैं, और हमने कहा था कि यहां पे 2 रूट्स मिलने वाले हैं, तो ये हमें 2 रूट्स मिल चुके हैं, और ये इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट्स हमें यहां पे मिले हैं। पहला रूट है माइनस 2 प्लस आए, और दूसरा रूट है माइनस 2 माइनस आए, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस है। ठीक है, तो एक प्लस के टाइम और एक माइनस के टाइम, इस तरह से। तो फाइनली हमने जैसा कहा था कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमें रूट्स निकालना है, और हमने कहा था कि 3 रूट्स निकलने वाले हैं, तो 3 रूट्स मिल चुके हैं। पहला रूट है 1, जो कि हमने फाइंड आउट किए थे, पहला रूट 1 है। दूसरा रूट है माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस है, और तीसरा रूट है माइनस 2 माइनस है। ठीक है, इस तरह से हमें रूट्स मिल चुके हैं। तो देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे, देयरफॉर रूट्स आर, देयरफॉर रूट्स आर क्या है, डी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 प्लस माइनस आई। इस तरह से ये हमने रूट्स यहां पे मेंशन कर लिए। और अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन बनाएंगे। हमने जैसा कहा था कि पहला सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें तैयार करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ का इक्वेशन बनाने के लिए हमें रूट्स चाहिए थे, तो ये हमें रूट्स मिल चुके हैं, और अब यही रूट्स का यूज करके हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ का इक्वेशन बनाएंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे स्टार्टिंग में, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ का इक्वेशन बनाने के लिए आपको रूट का टाइप चेक करना होता है कि किस टाइप का रूट है। जैसे यहां पे जो रूट्स आया है, ये जो पहला रूट है ये रियल एंड डिफरेंट में आता है, और जो दूसरा रूट है वो इमेजिनरी एंड डिफरेंट में आता है। तो रूट्स का टाइप देख के आपको सीएफ का इक्वेशन लिखना होता है, तो वो वीडियो से आपका वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो देख लीजिएगा। तो यहां पे सीएफ का इक्वेशन अगर हम बनाएंगे, चलो हम यहां पे बना लेते हैं, काफी लंबा ये इक्वेशन होगा, तो हम यहां पे सीएफ का इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हम लिखेंगे सीएफ इक्वल्स टू, तो पहला रूट है 1, तो ये हम लिखेंगे c1 e टू द पावर x। ठीक है, c1 e टू द पावर x, और ये नेक्स्ट देखो माइनस 2 प्लस माइनस i के लिए क्या होगा, दैट इज e टू द पावर माइनस 2x, देन ये हो जाएगा c2 cos of x प्लस c3 sin of x। ये देखिए इस तरह से ये फाइनली हमने क्या बना लिए, ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन सीएफ का इक्वेशन ये हमने तैयार कर लिए, काफी ये लंबा इक्वेशन बना। इसका मतलब ये हमने पहला सॉल्यूशन निकाल लिया। हमने आपको जैसा कहा था कि हमें 2 सॉल्यूशन निकालना है सीएफ एंड पीए, तो उसमें से ये सीएफ का इक्वेशन यहां पे निकल चुका है। जस्ट अ मिनट, यहां पे एक जगह गलती हो गई है, सीएफ का इक्वेशन हमने इन द फॉर्म ऑफ एक्स लिखे हैं, जबकि यहां पे वेरिएबल टी है, इट मीन सीएफ का इक्वेशन ये इन द फॉर्म ऑफ टी होना चाहिए। तो ये वीडियो बनाते समय हमसे गलती हो गई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन एग्जाम में आपको गलती नहीं करना है। सीएफ का इक्वेशन आपको एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ टी लिखना है, क्योंकि टी वेरिएबल है। ये गलती को हम लास्ट में सुधार लेंगे, फिलहाल इसको एज अ टी कंसिडर करके चलो। हमसे जो गलती हुई है उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो ये जो 1 है इट मीन्स रियल एंड डिफरेंट में आता है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होता है c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म रियल एंड डिफरेंट के लिए। तो यहां पे देखो c1 e टू द पावर m1x वही फॉर्म में हमने ये लिखा है, और पहला रूट जो है वो 1 है, इसलिए x का कोएफिशिएंट 1 है। ओके, और ये जो है इमेजिनरी एंड डिफरेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, दैट इज e टू द पावर अल्फा x। ठीक है, देन c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 sin ऑफ बीटा x, ये होता है दैट इज इमेजिनरी एंड डिफरेंट के लिए। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस माइनस i बीटा, अगर ये फॉर्म में अगर रूट है, ठीक है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको यहां पे पुट करना होता है। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस माइनस i बीटा के फॉर्म में है, अल्फा का वैल्यू यहां माइनस 2 है और बीटा का वैल्यू यहां पे 1 है। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू माइनस 2 हमने यहां पे पुट कर लिए, देखो यहां पे अल्फा का वैल्यू माइनस 2 पुट कर लेंगे तो e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा, देखो ये हुआ है। और बीटा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू माने i का कोएफिशिएंट जो है यहां पे 1। ठीक है, तो यहां पे बीटा का वैल्यू अगर आप 1 पुट कर लेंगे तो यहां पे इस तरह से ये आप बनाओगे इक्वेशन। ठीक है, c1 इसके पहले हो चुका है, इसलिए c2 c3 हमने आगे कंटिन्यू किए।
ठीक है। ये अभी हमने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है, लेकिन जैसा हमने कहा डिटेल में जानने के लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वीडियो जो हमने अपलोड किए थे वो देख लीजिएगा। तो ये हो गया पहला सॉल्यूशन, और अब हम दूसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। दूसरा सॉल्यूशन होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज पीआई। तो चलो अब हम पीआई फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो पीआई फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला देखो ये होता है, हम लिखेंगे पीआई दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू, फार्मूला ऐसा है 1/f(d). देखो ये है फार्मूला, ध्यान दो, 1/f(d) * q(x) ये फार्मूला है, ठीक है। तो जनरली क्यू ऑफ एक्स होता है क्योंकि एक्स वेरिएबल होता था, लेकिन यहां पे टी वेरिएबल है, ठीक है। तो हम यहां पे क्यू ऑफ एक्स के जगह क्यू ऑफ टी लिखेंगे। ये है पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, 1/f(d). f(d) क्या है? तो ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए थे उसमें ये जो ब्रैकेट है ये f(d) है, तो ये ब्रैकेट जो है वो हमें यहां पे पुट करना है। और क्यू ऑफ टी माने क्या है? तो इक्वल्स टू के राइट साइड में ये जो कुछ भी है दैट इज कॉस ht साइन t, ये क्यू ऑफ टी है। तो ये जो है वो हमें यहां पे प्लेस करना है। तो देखो हम यहां पे प्लेस करेंगे f(d) के जगह हम ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट करेंगे। देखो इट मीन्स ये ब्रैकेट d³ + 3d², तो ये हम लिखेंगे d³ + 3d² देन प्लस d-5, ये हमने यहां लिख दिए। और अब q ऑफ t के जगह, जस्ट अ मिनट, ये q ऑफ t के जगह हम यहां पे पुट करेंगे cos ऑफ ht प्लस क्या है sin ऑफ t। ये देखिए अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते समय आपको इसके 6 केसेस की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो लिखा है cos ht sin t ये कौन से केस में आता है ये आपको पता होना चाहिए। टोटल ये जो 6 केसेस होते हैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमने बनाए थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल का वो स्पेशल वीडियो था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल का आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सभी 6 केसेस की जानकारी आपको उसमें मिल जाएंगी। तो यहां पे ये जो cos ht और sin t है ये कौन से केस में आता है? तो ये जो sin t है ये केस 2 में आता है, और ये cos ht जो है ये फिलहाल कोई भी केस में नहीं आता, तो हम इसको केस 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि cos h यानी हाइपरबोलिक फंक्शन का हम यहां पे फार्मूला यूज कर सकते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में होता है, तो उसका यूज करेंगे। तो यहां पे केस 1 आ जाएगा और यहां पे केस 2 रहेगा। तो चलो हम यहां पे केस 1 केस 2 के रूल्स जो है वो हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये cos ht को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हम लिखेंगे, तो ये हम यहां पे लिखेंगे इक्वल्स टू, देखो हम यहां से लिखते हैं, तो इक्वल्स टू दैट इज 1/d³ + 3d² + d-5, ठीक है। तो cos ht के जगह हम यहां पे लिखेंगे e^t + e^-t/2, ठीक है, प्लस ऑफ sin t। ये देखिए ये हमने cos ht के जगह हमने यहां पे हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला यहां पे यूज किया है। cos h का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है दैट इज e^t + e^-t/2, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो हमने इसका यूज किया है। और अब एक काम करेंगे, ये जो 1/f(d) के फॉर्म में ये जो था इससे हम क्या करेंगे, ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करते समय क्या करेंगे, यहां पे एक्सपोनेंशियल में हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। e^t को अलग से मल्टीप्लाई करो और -t को अलग से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो हम इसको यहां से लिखते हैं क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाएगा, तो 1/2 बाहर रखते हैं, ठीक है, और 1/, तो ये हम लिखेंगे d³ + 3d² + d-5 * e^t। ये देखो ये हमने e^t/2, ये जो पहला एक्सपोनेंशियल है उससे हमने मल्टीप्लाई कर लिए, और अब दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 1/2 बाहर और 1/, फिर से ये हो जाएगा d³ + 3d² + d-5 और e^t - t यहां बाहर रहेगा, ठीक है। दोनों एक्सपोनेंशियल से ये हमने मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, और अब यहां पे sin t से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 1/d³ + 3d², ठीक है, प्लस ऑफ d-5 * sin ऑफ t, ठीक है, sin t से हमने मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये देखिए कुछ ऐसे 3 टर्म्स यहां पे निकले हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। और अब यहां पे केस 1 केस 2 के रूल्स हम आसानी से यूज कर सकते हैं। यहां पे केस 1 लग रहा है क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, यहां पे भी केस 1 है क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, और यहां पे केस 2 है क्योंकि यहां पे sin t है। तो रूल्स क्या है, तो चलो पहले केस 1 के रूल हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, अब वो हम यहां पे अप्लाई करते हैं। तो केस 1 का रूल ऐसा है कि अगर एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है, तो देखिए हम इसको यहां पे बता रहे हैं। तो रूल ऐसा है कि पीआई फाइंड आउट करते समय, देखो पीआई का जो फार्मूला होता है 1/f(d) * q(x), ठीक है, ये पीआई का फार्मूला है। तो यहां पे q(x) के जगह अगर एक्सपोनेंशियल हो, अगर यहां पे एक्सपोनेंशियल हो, तो एक्सपोनेंशियल अगर हो तो ये e^ax के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो रूल ऐसा है कि अगर यहां पे एक्सपोनेंशियल है तो यहां पे क्या करना है, f(d) में जहां जहां पे d है वहां वहां पे आपको a पुट करना है,
जहां जहां पे डी है वहां वहां पे आपको ए पुट करना है, ए माने एक्स का कोएफिशिएंट। और पुट करते समय आपको ये पहले चेक करना है कि क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अगर पुट करते समय डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो फिर ऐसे में आपको पुट नहीं करना है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यह बात आपको ध्यान में रखना है। अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है पुट करते समय तो फिर आप पुट नहीं कर सकते, फिर आपको ऐसे में न्यूमरेटर में एक्स लिखना होता है और फिर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करके प्रोसेस को कंटिन्यू करना होता है। ये रूल है केस वन का। तो चलो यहां पे हम देखते हैं, यहां पे एक्स के फॉर्म में हमने ये आपको बताया, लेकिन ये जो है ये टी के फॉर्म में है। तो ई टू द पावर टी है, टी का कोएफिशिएंट क्या है, वन है, तो टी का कोएफिशिएंट वन है। तो यहां पे क्या करना है, जहां जहां पे डी है वहां वहां पे वन पुट करो। तो डी के जगह वन पुट करते समय हम पहले चेक करेंगे कि क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो चलो यहां पे देखते हैं, डी क्यूब माने वन क्यूब, यहां पे डी स्क्वायर माने वन स्क्वायर और यहां पे वन, ठीक है। तो ये हम इसको रफ में देखते हैं, ये होगा वन प्लस थ्री प्लस वन माइनस फाइव। देखो यहां पे वन आ गया, यहां वन आ गया, यहां वन आ गया, तो ठीक है। तो क्या ये जीरो हो रहा है, तो ये बिल्कुल जीरो हो रहा है क्योंकि थ्री प्लस वन माने फाइव, फाइव माइनस फाइव तो ये क्या होगा, ये जीरो होगा। यहां पे हमने d के जगह वन पुट करके देख रहे हैं तो यहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, इसका मतलब हम पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें यहां पे न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन हमने x के फॉर्म में बताए थे, लेकिन यहां x नहीं, यहां पे t है, तो हम न्यूमरेटर में t से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हम यहां पे अब लिखेंगे, वन बाय टू बाहर है उसको बाहर ही रहने दो, न्यूमरेटर में t से मल्टीप्लाई करो। तो ये हमने न्यूमरेटर में t से मल्टीप्लाई कर लिया, और अब डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो। डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना है तो डी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा थ्री डी स्क्वायर, ठीक है। थ्री डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहां पे कितना, सिक्स डी, और डी का डिफ्रेंशिएशन वन, और फाइव कॉन्स्टेंट है तो फाइव को छोड़ दो क्योंकि फाइव का डिफ्रेंशिएशन जीरो। तो ये देखो हमने न्यूमरेटर में टी लिखे, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर लिए, और अब ये ई टू द पावर टी यहां पे एज इट इज रखो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही केस नंबर वन के रूल अप्लाई करेंगे और फिर से हम चेक करेंगे कि क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है या नहीं। अगर फिर से जीरो होगा तो फिर से न्यूमरेटर में टी से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर यहां पर टी स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करके फिर प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट स्टेप में जो है नेक्स्ट स्टेप जब आएगा जब हम करेंगे, लेकिन ये पहले स्टेप में हमने केस वन के रूल अप्लाई कर लिए, यहां तक आ गए। और अब यहां पे ये टर्म में फिर से केस वन के रूल अप्लाई करो, देखते हैं यहां पे क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है या नहीं, हम देखते हैं। पहले रफ में हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे टी का कोएफिशिएंट क्या है, केस वन के रूल टी का कोएफिशिएंट माइनस वन है, तो यहां पे जहां जहां पे डी है वहां वहां पे माइनस वन पुट करो। चलो हम इसको रफ में फिर से चेक करके देखते हैं, डी क्यूब मतलब माइनस वन का क्यूब, तो माइनस वन का क्यूब कितना, माइनस वन, ठीक है। देन डी स्क्योर यानी माइनस वन का स्क्योर, तो वो हो जाएगा प्लस वन, तो ये रहेगा प्लस थ्री, ठीक है। और डी डी के जगह आएगा माइनस वन, ठीक है। और यहां पे माइनस फाइव, तो क्या ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, क्या ये जीरो होगा, नहीं ये जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब हम यहां पे डी के जगह माइनस वन पुट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है। तो चलो हम वो पुट करेंगे, तो ये हम लिखेंगे वन बाय, क्या कहा, यहां पर आ गया माइनस वन, देन ये होगा प्लस ऑफ थ्री, देन ये माइनस वन और माइनस ऑफ फाइव इंटू ई टू द पावर माइनस टी, ठीक है। तो ये हमने यहां पे d के जगह माइनस वन पुट कर लिए, ठीक है। इसी टाइप का कैलकुलेशन जो है हमने यहां पे लिख लिए हैं। तो अब ये टर्म में केस वन अप्लाई किए, ये टर्म में केस वन अप्लाई किए, और अब ये थर्ड टर्म है, अब हमें इसमें केस टू के रूल्स अप्लाई करना है। चलो देखते हैं केस टू के रूल्स। केस टू के रूल हम यहीं पर बता देते हैं। अगर यहां पर एक्सपोनेंशियल नहीं है, अगर यहां पर साइन या कॉस है, तो देखो केस टू क्या कहता है, तो अगर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स के फॉर्म में अगर हो, तो ये हम बता रहे साइन ए एक्स, ठीक है। यहां पे एक्स नहीं है, यहां पे टी है, वो हम टी के फॉर्म में अप्लाई करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड जो रूल है वो एक्स के फॉर्म में हम यहां पे बता रहे। तो साइन ए एक्स अगर यहां पे हो, तो रूल ऐसा है कि यहां पे डी स्क्वायर के जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। थोड़ा सा यहां पर चेंज है, डी स्क्वायर के जगह माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पे एफ ऑफ डी के इक्वेशन में जहां जहां पे डी स्क्वायर रहेगा वहां पे माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि माइनस अलग है और ए स्क्वायर अलग है, माइनस का स्क्वायर नहीं है, माइनस अलग है और ए का स्क्वायर है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक्स का कोएफिशिएंट माने ए होता है, वो आपको यहां डी स्क्वायर के जगह माइनस ए स्क्वायर ऐसा पुट करना है। तो ये अब टी के फॉर्म में है, तो यहां पर टी का कोएफिशिएंट क्या है, टी का कोएफिशिएंट वन है। तो क्या करो, ये देखो ये जो एफ ऑफ डी का इक्वेशन है, यहां पर जहां जहां पे डी स्क्वायर है वहां वहां पे माइनस वन स्क्वायर पुट करो, डी स्क्वायर के जगह माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस वन स्क्वायर। तो डी स्क्वायर यहां पे देखो, यहां पे डी स्क्वायर है, यहां पे डी स्क्वायर है ही नहीं,
और यहां पे भी डी स्क्योर नहीं है लेकिन यहां पे डी क्यूब है। डी क्यूब मतलब क्या होता है, डी इंटू डी स्क्योर, ठीक है। तो जो डी स्क्योर है सिर्फ उसी के जगह पुट करना है, डी के जगह पुट नहीं करना है। तो चलो वो हम यहां पे पुट करेंगे और यहां पे भी हमें वही चेक करना पड़ता है, यहां पे भी हमें चेक करना पड़ता है कि क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर पुट करते समय अगर जीरो हो रहा है तो फिर आपको पुट नहीं करना है, फिर आपको न्यूमरेटर में एक्स लिखना है। यहां पे तो न्यूमरेटर में हम टी लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो बताते हैं उसमें न्यूमरेटर में एक्स लिखते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम वही चेक करके देखेंगे कि क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो फिर हम न्यूमरेटर में टी लिखेंगे क्योंकि यहां पे टी है, और फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो जहां तक ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा वो इसीलिए क्योंकि यहां पे डी है, देखो यहां पे भी डी है, यहां पे भी डी रहेगा, तो डिनोमिनेटर जीरो जहां तक नहीं होगा। चलो देखते हैं पुट करने के बाद समझ में आएगा जीरो होता है या नहीं। तो यहां पे हम लिखते हैं फिलहाल वन बाय तो डी क्यूब यानी डी इंटू डी स्क्योर। तो देखो डी इंटू डी स्क्योर के जगह ये हम यहां पे माइनस वन स्क्योर यानी माइनस वन पुट करेंगे, देखो हमने पुट किए, और अब प्लस थ्री डी स्क्योर यानी माइनस वन स्क्योर माने माइनस वन, ठीक है। और ये d तो एज इट इज रहेगा और माइनस फाइव, और अब ये यहां पे जो साइन t है बाहर में वो साइन t एज इट इज यहां बाहर में रखते हैं। ये देखो ये हमने फिलहाल ऐसा हमने टर्म बना लिए, जस्ट अ मिनट, ये हमने बना लिए देखो, ठीक है। d स्क्योर के जगह हमने माइनस ए स्क्योर यानी माइनस वन पुट किए, तो ऐसा बना। क्या यहां पे ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है? तो ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह है कि यहां पे d कैंसिल हो रहा है। देखो ये प्लस d और ये माइनस d ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस फाइव और माइनस थ्री ये यहां पे ऐड हो जाएगा, माइनस एट हो जाएगा। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम पुट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहां तक आ चुके हैं, चलो हम नेक्स्ट स्टेप यहां पे अब यहां से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहां पर जगह कम है तो हम इसको जो है अब इधर सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा केस वन केस टू का जो कॉन्सेप्ट है ये फिलहाल आपको समझ में आया होगा। तो ये देखिए हम यहां पे सॉल्व करेंगे, ये काफी आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे पी आई इक्वल्स टू, ठीक है, तो यहां पे वन बाय टू बाहर है तो ये हम वन बाय टू बाहर रखेंगे, और यहां पे अब फिर से केस वन के रूल अप्लाई करेंगे। डी के जगह हम यहां पे वन पुट करेंगे, और क्या ये डिनोमिनेटर जीरो होगा? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा क्योंकि हर जगह यहां पे प्लस है, और डी के जगह वन पुट करने के बाद डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो न्यूमरेटर में हम रखेंगे यहां पर टी, और डिनोमिनेटर में यह हो जाएगा थ्री ब्रैकेट में वन प्लस सिक्स ब्रैकेट में वन और प्लस वन और ई टू द पावर टी, ठीक है। ये हमने यहां पे जो लिखा है ये हमने केस वन के रूल यहां पे अप्लाई किए हैं बस, ठीक है। जहां जहां पे डी है वहां वहां पे वन आ गया केस वन के रूल, तो कुछ ऐसा रहेगा, ओके। और यहां पे क्या रहेगा देखो वन बाय टू, ठीक है। ये टोटल क्या हो जाएगा? तो ये माइनस वन इट मीन्स माइनस टू, ठीक है। और फिर ये माइनस फाइव के साथ ये होगा माइनस सेवन, ठीक है। माइनस सेवन प्लस थ्री तो वो हो जाएगा फोर, ठीक है, माइनस के साथ, और माइनस फोर और टू तो ये हो जाएगा एट, माने माइनस एट। तो ये हम लिखेंगे माइनस वन बाय एट इंटू ई टू द पावर माइनस टी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या बचेगा? यहां पे डी और डी कैंसिल हो जाएगा, देखो हमने जैसा कहा था डी और डी कैंसिल हो जाए, और ये माइनस थ्री माइनस फाइव तो ये माइनस एट, तो बचेगा माइनस वन बाय एट और साइन टी, साइन टी ऐसा बचेगा सिर्फ। इसका मतलब इधर सब कुछ सॉल्व हो गया है, बस अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व हो गया है, तो यहां पे क्या रहेगा? ये रहेगा सिक्स प्लस थ्री ये नाइन प्लस वन टेन, टेन और टू ये हो जाएगा ट्वेंटी, तो ये हम लिखेंगे टी बाई ट्वेंटी और ई टू द पावर टी, ठीक है। और यहां पे ये तो सॉल्व हो गया है माइनस वन बाय एट ई टू द पावर माइनस टी और माइनस वन बाय एट इंटू साइन ऑफ टी, और अब इसमें कुछ भी सॉल्व करने के लायक नहीं है, सब कुछ सॉल्व हो चुका है। तो ये हमें फाइनली क्या मिल गया? ये हमें फाइनली पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल चुका है। इसका मतलब हमने ये सेकंड सॉल्यूशन भी निकाल लिए। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें टोटल दो सॉल्यूशंस निकालना है, सी एफ एंड पी आई। तो सी एफ तो ये हमने स्टार्टिंग में ये हमने सॉल्व किए थे सी एफ, और ये अब हमने पी आई फाइंड आउट कर लिए, और अब हमें क्या करना है, ये दोनों सी एफ और पी आई को हमें ऐड करना है, तो हमें क्या मिलेगा? जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, और वहीं पे प्रॉब्लम फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन हमेशा एट द लास्ट आपको लिखना कंपलसरी है। तो जनरल सॉल्यूशन इज वाई इक्वल्स टू दैट इज सी एफ प्लस पी आई। आपको सिर्फ सी एफ और पी आई को ऐड करना है,
कुछ आगे सॉल्व वगैरह नहीं करना है, सिर्फ आपको ऐड करना है। तो सी एफ का इक्वेशन ये एक्चुअली टी के फॉर्म में होना चाहिए था, हमने पहले एक्स के फॉर्म में लिखे थे गलती से, लेकिन देखो हमने हर जगह टी कर लिया है और एग्जाम में आपको ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है, आपको टी के फॉर्म में ही लिखना है। तो ये हम लिखेंगे सी वन ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर माइनस टू टी, देन यहां पे सी टू कॉस ऑफ टी प्लस सी थ्री साइन ऑफ टी। तो ये हमने सी एफ का इक्वेशन यहां पे लिख लिया है और अब पी आई का इक्वेशन हमें लिखना है, इट मीन्स ये इक्वेशन। तो पी आई का इक्वेशन हम आगे कंटिन्यू करेंगे, प्लस टी बाय ट्वेंटी इंटू ई टू द पावर टी, देन हम यहां से लिखेंगे माइनस वन बाय एट इंटू ई टू द पावर माइनस टी माइनस वन बाय एट इंटू साइन ऑफ टी, ठीक है। तो ये हमने सी एफ और पी आई दोनों को यहां पे ऐड कर लिया है और फाइनली ये हमें जनरल सॉल्यूशन मिला है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जाम में आ चुका है। ये था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 18। इसके पहले जो हमने इसके 17 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।